स्त्री का कौन सा भाग पवित्र माना जाता है? इसी तरह कहावत है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यानी स्त्री किसी का भाग्य भी बदल सकते हैं। वही स्त्री अपने प्यार और समझदारी से पूरे परिवार को एक सूत्र में भी रोए रखती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि स्त्री एक पवित्र रूप में होती है। दौड़ते हुए घोड़े की फोटो लगाना सही या गलत? बहुत से लोग अपने घर में सजावट के लिए दौड़ते हुए घोड़े की फोटो लगाते हैं। तो दौड़ते हुए घोड़े की फोटो लगाना शुभ होता है कि अशुभ, तो आइए जानते हैं। इससे पहले माता के चरणों में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, अगर आप अपने घर में दौड़ते हुए घोड़े की फोटो लगाते हैं तो आपका काम तो चलता रहेगा, लेकिन वास्तु शास्त्र में ऐसा माना गया है कि दौड़ते हुए घोड़े की फोटो से जो ऊर्जा प्रभावित होगी, उससे आपको अपने जीवन में शांति प्राप्त नहीं होंगे। आपको अपने कार्य के लिए सदैव भाग दौड़ करनी पड़ेगी और मन में अशांति रहेगी। तो अगर आप यह सब करने में सक्षम हैं, तो आप अपने घर में दौड़ते हुए घोड़े की फोटो को लगे रहने देना नहीं तो आप इसे हटा देना आपके ऊपर है। भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान। भाग्यशाली क्या क्या पहचान होती है, आइए जानते हैं। जिस घर में भाग्यशाली महिलाएं होती हैं, उसे घर का माहौल अलग ही दिखाई देता है। जैसे जी घर में बड़े बुजुर्ग खुशहाल दिखाई दे, उसे घर में मानिए कोई भाग्यशाली स्त्री है, जिसकी वजह से बुजुर्ग खुशहाल है नहीं तो जिस घर में होती है उसे घर के पुरुष और बच्चे हरदम रोते रहते हैं, क्योंकि उन महिलाओं को अपने आप के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आप भी इस बात को दूर से ही समझ लेंगे, जब भी आप किसी के घर जाएं और देखें, जिस घर में बड़े बुजुर्ग खुशहाल हो उसे घर की महिला भाग्यशाली होती है। चार नाम की लड़कियां बहुत घमंडी होती है। कौन कौन से विचार नाम है जिन नाम की लड़कियां बहुत घमंडी होती हैं? तो आइए जानते हैं घमंडी लड़कियों की पहचान। इससे पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लायक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर कभी सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो जानते हैं, वास्तु शास्त्र के अनुसार नाम की लड़कियां बहुत घमंडी होती है। शादी हो जाए तो ससुराल में कभी भी अपनी सास मन से इन चार नाम वाली लड़कियों की कभी नहीं बनती है। पहले आपको बता दे, यह जानकारी वास्तु शास्त्र के अनुसार है। तो पहले है एल और तीसरा अक्षर पी है। इन नाम की लड़कियां बहुत तेज तरह होती है। मेष राशि की आज की भविष्यवाणी क्या है? मेष राशि हरीश, आज का राशिफल आज का दिन सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको किसी लक्ष्य को पूरा करना होगा। यदि आप किसी से कोई वादा या वचन भर तो आपको उसे पूरा करने में समस्या होगी। श्रेष्ठ जनों का आगमन होगा और आपको किसी धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। बेटा, यह मेरा आशीर्वाद है। जो समय बीत गया उसे सोच सोच कर परेशान मत हो। जो आने वाला समय है उसके सपने देखने में जो आज का समय है यानी वर्तमान, उसे खराब मत करो। खुश रहने का यही तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय पर ध्यान दें। इससे आपका भूतकाल भी सुधरेगी और भविष्य भी। जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।